स्थिति, पोजीशन की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में पता लगाना। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था, तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। तो बच्चों, अभी आपने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ, बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू, तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था? छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर। और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति,
पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।